मनोज जारंगे आंदोलन मामले में एसआईटी जांच के आदेश, महाराष्ट्र सरकार। राजन बिचारे ने रोरो फेरी यात्रियों के लिए उत्तन भाईंदर बस सेवा विस्तार की मांग की, मुंबई। मुंबई कर सोमवार से अंधेरी में गोखले पुल का आंशिक रूप से कर सकते हैं इस्तेमाल, मुंबई। मुंबई में बीएमसी ने 10 दिनों में 150 करोड़ रुपए के 900 टेंडर जारी किए। मुंबई ट्रेन में लड़की ने की सारी हदें पार, अश्लील डांस देखकर असहज हुए यात्री, रेलवे विभाग को लिखा मैसेज। वर्ली में भी शुरू हुआ सी फूड प्लाजा, कोली महिलाओं को मनपा दे रही है रोजगार। उद्धव ठाकरे ने की सरकार की आलोचना, जोश में ठेकेदार, किसान बेहाल, उद्धव ठाकरे। हिमाचल प्रदेश में बड़ा उलटफेर, बराबर वोट मिलने के बावजूद कांग्रेस हारी, हर्ष महाजन जीते भाजपा। हमारी चिंता थी कि अगर आस्था पर ही फैसले होंगे तो फैक्ट का क्या होगा, एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। बिहार में महागठबंधन को झटका, कांग्रेस आरजेडी के 3 विधायक भाजपा में शामिल, कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरव ने बीजेपी ज्वाइन किया। 2024 में केरल ने हमें डबल डिजिट में सीट देने का मन बना लिया है, केरल ने बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरे भाजपा में जाने की खबर सिर्फ मीडिया चला रहा है, यह अफवाह है, भाजपा में शामिल होने के सवाल पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, नवी मुंबई में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। दरअसल यहां के तुर्बे एमआईडीसी इलाके में स्थित एक फर्नीचर निर्माण फैक्ट्री में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आपको बता दें जैसे ही ये भीषण आग लगी तो फैक्ट्री के कर्मचारी बाहर निकल आए, देखते ही देखते आग बहुत बढ़ गई। आग की इस घटना से इलाके में भारी हंगामा मच गया है। जैसे ही आग की सूचना मिली तो दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और फैक्ट्री में लकड़ी का फर्नीचर होने के कारण काफ़ी धुआं था और बहुत ज़्यादा आग फैल गई। बता दें कि अग्निशमन कर्मियों ने अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया।